थिंकिंग कि मैं जरा वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, ये चलते चलते वीडियो आपने बनाना है क्योंकि? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, बस मुझे सिर्फ ये दो मिनट चाहिए मेरा कार्ड इनिशियल है। वो काले पत्थर ऊपर मट्टी की लिपाई हुई है, ये बीवी सुलगा दी के जो पंचपा का था तो उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था कटवा के वाके के बाद, तो यहाँ पे उन्होंने आके अपना क्याम किया यहाँ के बसे, तो सारे क्याम की बहुत सारी तादाद यहाँ के बस की कर लिए। अच्छा थोड़ा सा आपकी आवाज़ की डिमांड ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा ताकि पीछे तक आवाज़, जितनी मेरी आवाज़ मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ मैं, बताइए यहाँ में गौर से सुनिए। नहीं ये तो अच्छी बात है, जो मतलब आपने भाग लिया दादा, आप अपने कैमरे को वीडियो मोड पर कर अभी भी अगर वो पूछे तो आप मेरे दोस्त के दोस्त हैं, मेरे मिलने वाले हो, ठीक है कर लिया हो क्या? अल्लाह महफूज करे हर शख्स से, अपनी पनाह में रखे, यहाँ बहुत ज्यादा बड़े मुश्किल है। नहीं नहीं बिल्कुल मैं समझता हूँ। अच्छा बैतुल हुस्न इसका नाम था? यही बैतुल हुस्न, यही है बैतुल बैतुल हसन कहते थे बेटे, बैतुल हसन वो हरम पाक। अच्छा कि जिस यहाँ पे फातिमा रोए बहुत करती थी? जी हाँ, वो सामने जो बाबी है उसके बिल्कुल सामने वो घर था। अच्छा बैतुल हसन जिसको कहते थे, जो भी एक नंबर हमाम के बाद दूसरे नंबर का ये घर जो उन्होंने बना के दिया जजीदी लोगों ने, ये पूरी हवेली की सारी यहाँ तक सारी यहाँ ये दौले खंड की सारी जगह में पंचपा के तरह कटरा के वाके के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये कॉमन बात करें मदीने पाक की, मदीने पाक में एक बात अपनी हिज्जत के लिए ख्वाब में से नहीं मानते, बेसिकली आपके साथ आने का मकसद भी मैं वही से जा सकता हूँ। ये सामने जो है ये रेलवे स्टेशन है। अच्छा ये रेलवे स्टेशन तुर्की का बनाया हुआ, तुर्कों ने ये बनाया था रेलवे स्टेशन। अच्छा ये तकरीबन 1500 मील लंबी रेलवे लाइन इस्तांबुल तक की रास्ता शाम। अच्छा ये लेफ्ट साइड पे हमारे मस्जिद अमरी है जो तारीखी मस्जिद है। अच्छा ये बेसिकली इसकी क्या हिस्ट्री है, किसने बनाया था ये? तुर्कों ने बनाई, ये इसकी बात कर रहे हैं या उसकी बात? ये काले पत्थरों जो काले पत्थरों वाली थी, ठीक है। और ये बल्दिया हाउस है, ये लेफ्ट साइड पे हमारे मदीने पाक है जो बल्दिया के, और ये हमारे दाहिने हाथ पे सकीफा बनू साद है। ये क्या है सकीफा बनू? ये बेर सुकिया इसको कहते थे, बेर सुकिया बेर कहते कुएं को, सुकिया इस जगह का नाम था, यहाँ पे कुआं था जिस जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक से बदर जाते हुए मदीने पाक के लिए दुआ की थी, याला पाक मदीने पाक में मक्का में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से दुगरी बरते हैं। रोड जिस हम गुजर रहे हैं उम्र फारूक रोड है, उम्र बिन खताब रोड इसको कहते हैं, पुराना बदर रोड यही है। ये 1400 साल पुराने शहर उससे भी पहले के बने हुए मकान आता है महल्ला वो भी तक कायम है। इन गलियों इन सड़कों की कस्में अल्लाह ने कुरान पाक में खाई, हजूर ने इस शहर को अपना मस्कन बनाया, इन्हीं लोगों ने पहला हजूर से वादा लिया था कि इस वक्त बैतुल्ला में कि जिस तक आपकी नबूवत का चर्चा होगा कहीं हमें छोड़ तो नहीं देंगे, हजूर ने वादा फरमाया नबूवत के वक्त कुफार मक्का जिस वक्त वहाँ से वापस आ गए थे उन्होंने दोबारा यहाँ मनसूबाबंदी की, उनको कहा गया कि आप लोग जंग जीत चुके थे तो आप क्यों भागे हो वहाँ से, एक दूसरे को लान तंग क्यों नहीं, तो फिर दोबारा प्रोग्राम बनाया वापस मदीने पाक दोबारा अटैक करें, जिसकी इतला हजूर को भी हजूर मौलाना शेर खुदा की क्यादत में करीब 450 नौजवान एक
दस्ता उनके पीछे भेजा, जिन्होंने आके यहाँ पे रात का वक्त था आके आके काम चलाए और उनका पीछा किया अपने कुफार मक्का के वो जो पुराने के वापस जाने वो ख़त्म कर हुए मक्का वापस हो गए मदीना पर दोबारा गए। अच्छा ये है इसको इसे हम लोग कहते हैं की आबादी, ये वादी अकीक की आबादी, यहाँ जो कबाइल आबाद थे उन्होंने ज़ुबैर ले लें हम लोगों को इसके पूरा आप। अच्छा ये उर्वा बिन ज़ुबैर थे जो मदीना को आके लैंडलॉर्ड लोगों में पहले के रजा पत्थरों की फॉर्मेशन देखें, जो पहले की जो कंस्ट्रक्शन होती थी पत्थरों की फॉर्मेशन जो है ना बहुत डिफरेंट है। ये महल है उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल से सबसे बड़े जैद सहाबे इकराम इनका शुमार होता है। ये सारी उनकी ज़मीन थी उनके यहाँ पे ये मोहल्लात हैं। सऊदी हुकूमत को क्या फ़ायदा है इनको मिसवार करके इनको गिरा के? बस पहले ये इनको अभी अल्लाह ने हदायत ये जारी लगा के इन्होंने प्रिजर्व कर लिया इनको, इससे पहले तो हिफाजत भी नहीं थी, अब तो ये देखने जारी लगा के उन्होंने इसको प्रिजर्व बाकायदा सारे कदीम इसको कर दिया है। ये सारी ज़मीनें बागात उन्हें कहते हैं, ये स्कूल उन्हीं के नाम से इस वक्त उन्होंने बनाया। अच्छा वादी अकीक या अकीक अकीक अच्छा एन का ये पत्थर जो होता है जी यहाँ से अकीक निकल रहे हैं वादी का नाम अकीक है, ये टायर से शुरू होती है पत्थर तो यहाँ इसका निकलने की ऐसी कोई ऐसा चीज ये है वो सारा वो नहीं बागात भी बागात भी उन्हीं के हैं। ये बागात भी बागात चूँकि अपनी उम्र होती है इसकी खजूर की 70-80 साल के बाद पौधा तो बदल जाता है, लेकिन ये कि वो जगह वही है। रजा उसकी वीडियो बनाई है ना, ये कुआं है इसमें तो कोई शक नहीं है कि सही बात सब खैर प्रिजर्व करना चाहिए था। सही बात है और इसकी बाकायदा लोगों को इजाज़त होती है। ये कोई नई मस्जिद है या पुरानी है? नहीं ये सब नई मस्जिद है। ये कौन सा जबले जबले है जिसको कहते हैं? अच्छा यहाँ के सारा जला हुआ पहाड़ तो नजर। अच्छा अच्छा ये है वो जला हुआ पहाड़, इससे हट के थोड़ा आगे। अच्छा ये सिलसिला फिर वही शुरू हुआ। अच्छा अच्छा ने जो रास्ता अडॉप्ट किया था हिजरत के लिए। अच्छा मदीना पाक के लिए पहले चूँकि ये बदर वाला रास्ता था आयावार बदर आते थे लोग, हजूर ने स्पेशली एक आदमी को जो इन पहाड़ी रास्तों को जानता था उसको हायर किया था, वो फिर इन पहाड़ी रास्तों से लेके आती है वो रास्ता हजूर के आने का मदीना पाक में जिस रास्ते हजूर इंटरव्यू हुए हैं जिसे हिजरा रोड ही कहते हैं। अब ये मोटरवे इसी रोड से मक्का पाक जाते हैं। मैं इनकी वीडियो जरूर बनाता पर ये भी थोड़ा सा अच्छा यहाँ तक हम बाकी दूध है इससे अच्छा खत्म हो जाती है जब लहर उस तरफ शुरू हो जाता है इस तरफ जब लहर में शुरू होते हैं। अच्छा अच्छा और ये मस्जिद मीकात मस्जिद शजरा जहाँ हजूर ने पास हज के लिए आराम बांधा उम्रे के लिए यहाँ से तशरीफ ले गए। अच्छा और यहाँ हजूर ने कई जंगों में आते जाते यहाँ पड़ाव किया। कौन सी ये मस्जिद? अच्छा ये है अब यहीं से आप आराम बांध के उम्रे हज के लिए जाते हैं। आगे मैं
अच्छा, वो सामने ये वो जगह अभियारे अली वाली जहाँ उन्होंने पांच चूहे खुदाए हुए थे, यहाँ खेती बाड़ी का कारोबार भी था। अच्छा, काम भी था और यहीं तक उन्होंने कुफार का पीछा भी किया था। अच्छा, उस तरफ से जहाँ से हम गुजरे हैं उस तरफ से लेके यहाँ इसी तरफ ये सारा उन्होंने वो कौन से कुफार जो बाद में आए जो जो ओद के वक्त चले गए थे ना वापस, तो बाद में उन्होंने आपस में एक दूसरे को लान तान की कि हम जंग तो भाई जीत गए थे मुसलमानों को, 80-70 मुसलमान शहीद हुए थे, तो दोबारा प्रोग्राम बना रहे थे वापस आने का, दोबारा अटैक करें, अटैक करें। जब खबर हुई थी मौलाना शेर खुदा की क्यादत में 550 के करीब या 485 के करीब नौजवानों का लश्कर भेजा इनके पूछा करें, वो पीछे है तो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई कि हर जगह मुख्य जगहों पर सारे किसी के अंदर कुएँ और ये सारी जगह खेती बाड़ी के लिए। यहाँ से पानी दिया जा सकता है और कहीं से पानी में तो मैं आपको एक जगह से ले दूंगा, यहाँ तो बेहतर है। अच्छा, चले अल्लाह दीवारें हैं आप देखें, ये सारे वो ही हैं जो हाँ ये अली वाली जगह है, जगह है जिसने उमरे पे भेजा है, जिसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे घूमे हैं सारे उस पर वो करवाया, तो इंशाल्लाह वो यहाँ पे भी एक मरतबा ज़रूर जो है ना मतलब मौका ये सारी हो जाए। उसके बाद शायद ये साल भी हम पे मस्जिद करते हैं, ये सारी जगह से अच्छी थी उनकी। अच्छा, उनकी खेती बाड़ी की मौलाना शेर खुदा की यहाँ से पानी यानी बोतलों में भर के जाता था। अच्छा, सर्व करते थे पानी को या से मिनरल वाटर। अच्छा, इस तरह पानी लोग बेचते थे बाकायदा लेके, तो अब नहीं बिकता। अब ये पानी पीने के लिए वो टैंकर में लेते हैं ले जाते हैं, जो बड़े टैंकर है ना पीने के लिए पानी जाता है, लेकिन वो उस लेवल पे कम लेवल पे। तो इन्होंने एक जगह सरका बनाई है जिसमें सब कुओं का पानी इकट्ठा करके फिर वहाँ से मदीने पार को सप्लाई किया जाता है पानी। अच्छा, यानी मदीने के शामिल है। ये कौन सी मस्जिद है? ये दोबारा आराम बांध के अब जाएंगे इंशाअल्लाह। सामने कौन से पहाड़ हैं? ये वही अभी। अच्छा, अभियारे अली। अभियारे अली पीछे है। अच्छा, अभियारे अली पीछे है। हाँ, ये तो वो है। आगे जब ये हरम की हदूद के वो है। यहाँ पे भी वो करती होंगी लाजमन कोई फसलें वगैरह। ये भी क्योंकि ये सारे ग्राउंड ही थे ना, जैसे यहाँ पे जंगों के जब हजू तशी ले गए अक्सर गाँव उठते थे ठहरते थे। अच्छा, इस पे मेरे ख्याल में वही हदीस लिखी हुई थी इस पे कि जो है ना मदीना कहाँ है के चारों तरफ जो रास्ते थे एंट्री वाले वहाँ पे अपनी चौकियाँ बनाई थी, जिनमें स्ट्राइकी बेल्ट ज़्यादा है। हाँ, मदीना में नस्बतन स्ट्राइकी बेल्ट ज़्यादा, मदीना मक्का दोनों। हाँ, तो ओवरऑल पाकिस्तानी काफ़ी है, ओवरऑल पाकिस्तानी का। तो क्योंकि जो थे ना मेन इंटरेस्ट पॉइंट मदीना पा के चारों तरफ उन्होंने ये वहाँ अपनी चौकियाँ बनाई। ये मदीने पाक का दूसरा रिंग रोड है, मदीने पाक का तीन रिंग रोड दिए उन्होंने, एक वो इशारा से तीन है जिस पे आपका होटल है, दूसरा ये है रिंग रोड। ये सामने जितने एरिया ये एन जरका कहते हैं इसको, इसमें सब कुओं का पानी इकट्ठा करके। अच्छा, ये बहुत पहले यानी मदीने पाक हिजरत से हजूर की हिजरत के लगभग 40 साल बाद जिस वक्त यहाँ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ गवर्नर थे उस वक्त से यहाँ से नहर बना के मदीने पाक को पानी दिया जाता था।
बाकायदा यहाँ से पानी, अच्छा सारे कुओं का पानी इकट्ठा करके यहाँ, चूँकि मैक्सिमम ये कुबा वाली ज़मीन है ना सारी, अच्छा अच्छा, यहाँ पानी ज़्यादा था, इन पानी कुओं का पानी मिला के, अब भी इन कुओं का पानी मिला के इसमें फिर यम्बू का पानी भी आके मिलता है, ये मदीने पाक को सप्लाई होता है यहाँ से, इनकी जो वजारत पानी और बिजली है उसका ऑफिस भी यही है, ये किला है जी पुराना ये वाला, यहाँ अभी इन्होंने बनाया हुआ है अदीका मलक फात, अच्छा मलक फात फैमिली पार्क बनाया हुआ, अच्छा यहाँ पे क्या वो नेचुरल लाइफ वगैरह दी हुई है यानी कोई परिंदे वगैरह और इस किस्म के, थोड़ा सा वो अंदर घूमने फिर ग्रीनरी या ये, अच्छा बैठने का, हाँ ये सारा काफ़ी बड़ा एरिया है, अच्छा अच्छा यहूदी था बड़ा लैंडलॉर्ड था, अभी कभी आदमी था शायर था, हजूर की शान में गुस्ताखी करता था, गुस्ताखाना शायरी करता था, जिस वजह से बैठना उसमें इस्लाह करने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन अभी किधर मस्जिद है गुफा की तरफ, अभी हम ये यहूदियों की आबादी थी बने नुज़ैर उस एरिए में, उनके जो मकान थे जो बागात थे और जहाँ मस्जिद शम्स थी जिस जगह पे शराब की हुकूमत का हुक्म आया, उनका खेमा रहा जहाँ उन्होंने इनका घेराव किया, क़याम किया उस जगह पर, मगरब की नमाज़ इंशाल्लाह हम कुबा में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पहले ये भी अच्छी बात है। कौन से साहब असाबे असाबे तोहफा, अच्छा तोहफा उनमें से जिसकी शादी हो जाती थी हाँ, उस पर यहाँ घर अलाट होता था, अच्छा वो यहाँ आबाद होते थे। इस हवाले से एक और भी जो निबास ने मौजा था हजूर का, हज के लिए गए हुए थे कुछ मुसलमान जिनकी क्यादत अबू बकर सदीक कर रहे थे, और वो वकूफ़ अरफात कर रहे थे, यानी वहाँ उस वक्त अरफात के मैदान में थे, कुछ सहाबा किराम ने अफसोस के ज़ाहिर किया कि हम नहीं जा सके, हुज़ूर ने यहाँ से खड़े खड़े उनको वो जगह दिखा दी थी, अच्छा अरफात का मैदान, ये आबादी वही बनू नुज़ैन वाली है, अच्छा इसमें आप चूँकि जाएंगे नहीं, जब ये सारे शिया आबादी है तो यहाँ पर इनके सिक्योरिटी वाले फिरते हैं, मुश्किल करते हैं, लेकिन ये सामने मस्जिद सिर्फ दीवार है, मस्जिद नहीं सर, अच्छा यहाँ हजूर का खेमा था जिस पर 5x5 लिखा हुआ है येलो दीवार, ये वो मस्जिद शम्स वाली है जहाँ से गाड़ियाँ गुजरी हैं, अच्छा अच्छा जहाँ हजूर का खेमा था और शराब भी यही जगह थी जहाँ पर शराब मना की थी, अच्छा अच्छा सही है, इसी को मस्जिद शम्स कहते हैं, निकाल दिया गया तो यहाँ पे शिया आबादी किस वजह से आबाद हुई, कोई खास यहाँ जो कुबा की मस्जिद है ना उसके साथ एक घर था मौला शेर खुदा का, अच्छा अच्छा सही था कायनात जब दुल्हन बन के वहीं आ पहले वहीं आ गए, हाँ अच्छा अच्छा उसके बाद फिर मदीना पाक, अच्छा अच्छा पंचर पाक की नस्बत से ये एरिया जो है हाँ खासा यानी अहमियत का अमल रहा, अच्छा अच्छा वो शिया लोग यहाँ पे उनके बागात भी हैं जो मुकामी शिया, अच्छा सऊदी शिया, इनकी उन खासा वाम यहाँ मदीने पाक में पूरे सऊदी में बड़े टेंशन का माहौल था, चार पाँच जुम्मे पहले तो यहाँ बाकायदा फौज थी, दो सऊदी इकट्ठे सफ़र नहीं कर सकते, दो सऊदी इकट्ठे सफ़र नहीं कर वैसे तो मदीने पाक की पूरी खाक शिफा है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में जो बाग है इसको ये
یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور نے یہاں سے مٹی لے کے اپنا لعاب تہم اس میں شامل کر کے زخموں پہ لگایا ہے, اسپیشلی جو اوت سے واپسی پہ زخموں کے لیے حضور نے یہ تجویز فرمائی, اس کو خاک شفا کہتے تھے. تو یہ بڑا عرصہ لوگ لے کے جاتے رہے یہاں سے, خاک شفا کے نام سے مٹی یہاں سے لے گئے. اچھا, اب انہوں نے وہ مٹی نکال کے اوپر کنکریٹ کر دی. یہ باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو جن کا بڑا مشہور یہودی کے وہ غلام تھے, اس نے رہائی کے لیے شرط پیش کر دی کہ مجھے 300 پودے کھجور کے چاہیے, وہ لگا کے دو وہ جوان ہو جائیں, وہ پھل دینا شروع کریں, اور کچھ سونا اسے طلب کیا تھا, پھر میں آپ کو رہا کر دوں گا. تو وہ جب حضور نے کہا کو انہوں نے بتایا, آکر نے بنگایا کوئی بات نہیں یہ بھی ہو جائے گا, حضور نے کچھ سونا منگایا تو اس کا جب وزن کیا گیا تو وزن اس کی ڈیمانڈ کے مطابق تھا. تو یہاں حضور نے کھڈے بنوائے کھجور کے باغوں کے, اس میں پودے اپنے دست مبارک سے لگاتے گئے, ایک طرف پودا لگاتے گئے دوسری طرف وہ پھل دینا شروع. یہ دونوں لیفٹ رائٹ دونوں سلمان فارسی ہمارے. بہت بری ویڈیو بنا رہا ہوں میں کیونکہ میرا ہاتھ بھی کر رہا ہے, اور ساتھ جو ہے نا یہ سامنے جو وہ دیوار نظر آ رہی ہے مٹی کے کالے پتھر والی, یہ اس کے ساتھ جو گھر مبارک تھا جناب زین العابدین امام زین العابدین علیہ السلام جو امام حسین کے اولاد کے وہاں جی واقعے کے بعد وہ یہاں گوشہ نشین ہو گئے تھے. یہ ایریا جو ہے یہودی آبادی تھی, یہ ہمارے دینی آت پہ جو جس میں سیدہ کائنات تشریف لائیں ایک شادی کی دعوت پہ, وہ چونکہ مجھے 500 عورتیں جو مسلمان ہوئی تھیں. اچھا یہ بیٹے چونکہ یہاں جو کھڑے ہیں لوگ اندر لے جائیں, اچھا جس میں حضور نے پاس اس کا پانی کڑوا ہوتا تھا, اچھا حضور نے اس میں لعاب تہم ڈالا, یہ پانی میٹھا ہو گیا. اچھا اچھا, یہ پانی اتنا وافر تعداد میں یہاں سے چلتا رہا, اونٹوں کے ساتھ پہلے اس کو چلاتے تھے بیلوں کے ساتھ, پھر اس میں مشینیں لگیں موٹریں لگیں, حضور کو غسل اسی کنویں کے پانی سے دیا گیا. میرے غرض اس کا نام مولانا شیر خدا یہاں سے پانی لے کے گئے اور انہوں نے حضور کو غسل دیا اسی پانی سے. اب نہیں بیٹے, اب تو اوپر انہوں نے صرف دیوار وہ ہے جو کہ آثار قدیمہ میں کنواں بچایا ہوا ہے, پتھر وہی ہیں لگے ہوئے جو پرانے حضور کے زمانے کے تھے, اس کے اوپر انہوں نے وہ کر دیے چادر ڈال کے. یہ جہاں پہ وائٹ چنا کیا ہوا نا یہ ہو جائے گا, یہ چیک ہو جائے گا. اور گزرتے بیٹے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو گزرتے ہوئے, دوبارہ اسی آپ ہمارے دینے آتے ہیں. یہ وہ گھر ہیں بیٹے, یہ والے سامنے والے ہیں, یہ جہاں سیدہ کائنات تشریف لائی تھی ایک شادی کی دعوت میں, یہ یہودی کی بیٹی ان کی سہیلی تھی تو اس نے دعوت دی سیدہ کائنات کو شادی کے لیے, بیوی پاک تشریف لائیں, جس وقت آنے کا وقت تھا تو تھوڑی تشویش ہوئی کیونکہ کپڑے بیوی پاک کے پاس آپ گھر کا سامان چند چیزوں کے ساتھ کچھ نہیں تھا, کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے. اللہ پاک نے بھیش سے جوڑا بھیجا جو پہن کے یہاں تشریف لائی. یہ آ رہی ہے ہمارا رائٹ سائڈ پہ وہ جگہ, اچھا جناب زین العابدین کی, یہ اس طرف جو یہ مٹی کی دیواریں آگے جنگلہ پورا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, اللهم صل. ہاں کربلا کے واقعے کے بعد یہاں آ کے وہ کوشن شروع ہو گئے. ہاں ساری ساری رات قیام کرتے تھے, جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, ساری ساری رات یہاں قیام کرتے تھے. اور جب وہ یہودی عورتیں سیدہ سے کہیں کہ آپ برقعہ اتاریں, جس وقت ان کا مقصد تھا کہ برقعہ اتاریں گے نیچے کپڑے ان کے پھٹے پرانے ہوں گے, جس وقت سیدہ نے برقعہ اتارا تو اتنا خوبصورت جوڑا تھا کسی یہودی عورت کا اتنا خوبصورت جوڑا نہیں تھا, تو وہ پھر خود شرمندہ ہوئیں. تھا ان پہاڑیوں تک تھا, پھر پرانا چونکہ تبوک کا راستہ تھا پیدل جانے والا گھوڑوں کو,
वो भी उस वक्त यही था। और वापस जब मदीने पाक की तरफ वापस होते हैं तो गाड़ी आप न्यूट्रल छोड़ दें, 120 तक 25-30 तक ये मेरी गाड़ी भागी। ये वो एरिया जी बनू कुरैज़ वाला जिनको कत्ल किया गया था। कौन सा? बनू कुरैज़ यहूदी का कायद थे ना, जिन्होंने उनका मुआहदा फाड़ दिया था। जो उनसे मुआहदा था मदीने पाक के वाले से, उन्होंने जंगे खंदक के वाक्य मुआहदा फाड़ दिया था। ये बागा सारे उन्हीं के हैं। अच्छा, ये जो अगली आबादी है इसी में एक बाग, वो उसका मालिक भी शेख है। उसके बाग में हजूर के ऊँटने के दो निशान भी हैं। अच्छा, हजूर निवास ने एक दफ़ा तशरीफ लाए थे यहाँ पे इनको दावत हक देने के लिए। इन्होंने हजूर को शहीद करने की कोशिश की थी। प्रोग्राम इनका यह था कि हम जहाँ बिठाएंगे हजूर को ऊपर से पत्थर गिरा देंगे। तो सुलह के बहाने बुलाया था हजूर को। हजूर इस ख्वाहिश पे कि मुमकिन है मैं इनको दावत हक दूँ तो ये मान जाए। उसकी भी खबर हजूर को होगी जिस वक्त तशरीफ लाए। अभी उठने से नीचे उतरे थे वहीं के जरिए अल्लाह पाक ने खबर कर दी कि इनका इरादा ठीक नहीं है, हम वापस चले जाए। हजूर जलाल में वापस गए तो जिस जगह ऊँटी का पाँव लगता गया था उस जगह पे निशानात बनते गए। ये जो आगे दीवार है ये हमारे दैन हाथ पे, ये मरकज़ है सआदतैन, जहाँ इसके अपोजिट बिल्कुल। अच्छा, ये यहाँ से इस दीवार के अपोजिट देखें पीली दीवार है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये घर एक यहूदी का था जिसने खंदक के वक्त ओद के वक्त शामिल हुआ था जंग में। इसने इन यहूदियों से कहा कि तुम्हारा मुआहदा है ये सामने ये दीवार जहाँ वहाँ नीचे। अच्छा, ये लोग जो उतार रहे थे। जी हाँ, ये इसी चक्कर में था। ये हजूर का घर भी था। अच्छा, वो शख्स इनसे नाराज़ हुआ, उसने कहा भी तुम जब तुम्हारा मुआहदा है तो आप साथ दो। इन्होंने कहा कि चूँकि हफ्ते का दिन है ये घर उन्हीं के पास था। अच्छा, ये जो घर था ये घर तो था। वो लड़ा यहूदी किन की तरफ से था? मुसलमानों की तरफ से ना, हजूर की। अच्छा, था। अच्छा अच्छा, उस जंग में मारा गया। अच्छा, वो इस घर में हजूर का 29 दिन का कयाम जिसका जिक्र सूरह तहरीम में है। अच्छा, इस वक्त मादरी मुमनी से हजूर अलहदा हुए थे। एक महीने के लिए फरमाया था कि मैं नाराज हुए थे, तो इसी घर में कयाम था। अच्छा, ये हजूर का अपना घर मुबारक भी था जिसमें हजूर का कयाम रहा, और यहीं पर जनाब इब्राहिम की विलादत हुई थी। अच्छा अच्छा, ये सारा एरिया वो जो था आगे अवाली के एरिया है जिसमें सहाबा किराम के घर मुबारक थे, फैज़ुल पाक खान के घर मुबारक थे। अच्छा, कहाँ पे ये आगे था? ये इस जहाँ से हम गुजर के। अच्छा अच्छा, और ये जो मस्जिद है ये तो अभी जदीद दौर की, ये अभी इन्होंने बनाई है। मस्जिद पहले मस्जिद कुरैज़ होती थी यहाँ पे। हाँ। जो जिसका जिसमें कयाम हजूर ने किया था और इनको इनका घेराव किया था यहूदियों का। अच्छा, इनको फिर कत्ल किया गया था उस वायदे की खिलाफ वर्जी की सजा में। जंग के वक्त इन्होंने बड़ा यानी घटिया हरकतें की। एक यहूदी उस कैंप में घुस गया था जिसमें बीबियाँ पाक थी और मदीना पाक की खवातीन ठहरी थी। जो जिसमें हजूर की फूफियाँ मौजूद थी। तो हसन बिन साबित जो हजूर के शायर थे उन्होंने उनका घर था वो। जब हजूर की फूफियों ने फिर उस यहूदी को जब उसने अंदर झांका तो एक उसकी चोप से उसके सर पर मारी तो मर गया था। सफ़ी रात का वहीं उस घर में। अच्छा अच्छा, उनके उनके हाथ से वो मर गया था। वो भी उस वक्त उन्हें हरकत की, फिर कुफार मक्का के साथ साजवार भी की थी और उस मायदे को फाड़ दिया था। उसकी सजा में फिर बाकायदा यानी जिब्रील अमीन तशरीफ लाया, अल्लाह की तरफ से वही आई। हजूर जब वापस तशरीफ लाए अभी सामान नहीं उतारा था, सर मुबारक धो रहे थे, जिब्रील ने कहा कि मैं यासूस हम तो अभी तैयार है, और अब उठी और कुरैज़ का मुहासरा की थी। हजूर ने फिर उस वक्त सबको कहा कि असर की नमाज वहाँ जा पढ़ेंगे, तो यहाँ जाकर असर की नमाज पढ़ी सब ने यहाँ पे आके। उनका घेराव 15 दिन पर घेराव किया गया।
आश्रम जो जोज मोहतरमा थी हजू की परदादी भी हजू की वालदा माजदा भी और इन्हीं लोगों ने हजू को वेलकम किया, इन्हीं बच्चियों ने हजू को जब तशरीफ लाया डफ पे नाज शरीफ पढ़ के हजू को वेलकम किया। अच्छा ये कबीला बनी नजार के करीब कबीला बन नजार का ये जो स्कूल बने हुए सारे उसी जगह यहाँ मस्जिद बन नजार। अच्छा। ये मस्जिद जुमा है उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाते हुए कुबा यहाँ पहला जुमा अदा फरमाया, कुबा से तशरीफ लाते मदीना पाक यहाँ आके बन नजार के कबीले ने था ये वो है। अच्छा। ये बहुत तारीखी बिल्डिंग है ये ये वो बनु कैनका वाले थे जिनका सोने का कारोबार था। अच्छा अच्छा। और जिन्होंने वो घटिया हरकत की थी एक औरत के साथ। अच्छा। वो फिर एक मुस्लिम नौजवान उस दुकानदार को कत्ल किया, फिर वो उस नौजवान को शहीद किया। इनका फिर इस बेस पे हजूर ने घेराव किया, इनको फिर हुक्म दिया कि यहाँ से निकल जाओ, तो ये फिर इनको यहाँ से निकाल दिया गया था, ये बदल जाके आबाद हो गए थे। इस जगह उनका सोने का कारोबार था। इसी के आखिर में फिर हजू ने इनके मुकाबले में मदीना बाजार कायम किया था जहाँ पे इस वक्त मस्जिद गमामा है ना मस्जिद। ये सारी अच्छा बेरिश होता था, इसका नाम असल बेरिश था। अच्छा। ये मैं यहाँ नमाज पढ़ते हैं, आप बाहर निकल के फिर जन्नत उल बकी की बैक साइड पे है। इस साइड पे जन्नत उल बकी है और इस साइड पे आपके होटल के करीब है सामने। अच्छा। जिसमें हजूर ने तीन दुआएं फरमाई उम्मत के लिए। हाँ। दो दुआएं अल्लाह ने कबूल की, एक से मना फरमाया। हाँ। वो मना फरमाया वो दुआ थी कि उन्होंने फरमाया मेरी उम्मत में तफरके ना बने, इनमें झगड़ा ना हो, उससे अल्लाह ने मना फरमाया। और वो जो सामने पहाड़ है वो कौन सा? वो बहुत पहाड़ा उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये हमें इस बिल्डिंग और साथ इसके काला गेट लगा हुआ है दीवार के साथ ही। अच्छा पांच प्यालों वाली और यहीं पे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी कस्बा वो दफन है इसके अंदर। अच्छा। ये वो जगह है जहाँ वाला हुआ था क्रिश्चियन से, हजूर ने फरमाया था तुम अपने बच्चे ले हो, मैं भी अपनी औलाद पंचन पार को इकट्ठा करके यहाँ ले। इसी जगह पे हसनैन कई मैन बचपन में खेलते हुए सो गए, घर नहीं पहुँचे, सही दफा अपना उनको ढूंढने निकली बाहर। हाँ मैंने ले लिया मालूम है, वो भी ढूंढने इस जगह पे इकट्ठी हुई। तो बीच से अल्लाह पाक ने पांच प्यारों से हुज़ूर की ज़ियारत फरमाई। तो पांच प्याले यहाँ कहते हैं कि मैंने नहीं देखे लेकिन वो लोग कहते हैं कि यहाँ मौजूद होते थे। अच्छा। एक पत्थर था जिस पे हुज़ूर के पास एक किताबों में जिक्र आता उसका जुटान का, हुज़ूर तिलावत इकराम पाक सुनते थे, हुज़ूर की आंखों से आंसू जारी होते थे, उसी पत्थर पे हुज़ूर के खच्चर के पाँव के निशान भी थे। और यही वो जगह थी जिस जगह पे पहले इस्लाम के वही जहाँ से गुजरे हैं। अच्छा। वाहल दौर में इस्लाम की तबलीग शुरू हुई, हज़रत मूसा बिन उमैर यहाँ लेक्चर किया करते थे और जो मुसलमान हजूर के हाथ पे बैत करके आते मदीने पाक से आके बाकायदा नमाज पढ़ते थे, जुम्मा की नमाज होती थी। और यहीं पे हज़रत साथ जो आए जिनको मालूम हुआ कि वहाँ तबलीग हो रही है कोई ऐसा लेक्चर हो रहा है तो उनको पहले मना करने आया, मेज़ा उठा के सख्ती से मना किया। असल मुझे मेरे मोबाइल ने उनसे कहा हमारी बात सुन लें, अगर आपको पसंद आ जाए
तो ठीक वरना हम छोड़ देंगे। जब उन्होंने लेक्चर सुना तो खुद ही मुसलमान हो गए। अच्छा अच्छा, वो एरिया हम उसको बहुत पसंद पंचर पा के अपने घर रहे, फिर आना जाना रहा हसनैन करीम खेलते रहे यहाँ। अब अंदाजा कर सकते हैं मोबाइल वाली जगह तो लेके पुराने बाग में। अच्छा, यहाँ पे ये क्या इन चश्मों की क्या खासियत है? असल में तो जी ये आप इनको इनको नाम तो कहते हैं मेरे सफ़ा, या यानी पीने का साफ पानी, मदीने का पानी, मेरे सफ़ा यानी सेहत वाला पानी। अच्छा, हुज़ूर ने बात की जो जंग की स्टडीज थी ओद के हवाले से, कुफार जब पहुँच चुके थे मदीने पाक करीब तो हुज़ूर को खबर है, हुज़ूर ने मुशावरत की, रात को ख्वाब हुज़ूर ने देखा, उसमें मदीने पाक को महफूज किला देखा था हुज़ूर ने। अच्छा, तो जब मुशावरत हुई तो उसमें नौजवान सहाबा इकराम ने मशवरा दिया कि नहीं जी बाहर जा लड़ेंगे। हुज़ूर ने फिर उनकी राय का एहतराम किया। जब तैयार होकर बाहर आ गए तो फिर उनको एहसास हुआ कि शायद हमने गलती की है। हुज़ूर फजर से पहले से पीछे से होके इस पहाड़ के ओट में जा अपना लश्कर तरतीब दिया और 50 तीर अंदाजों का दस्ता ये सामने छोटी पहाड़ी है हमारे इस पे खड़ा किया। अब जब सुबह रोशनी हुई तो कुफार ने देखा कि उनके पीछे मदीना है और ये सामने यहाँ पे तीरंदाज खड़े हैं, ये जो पहाड़ी सामने नज़र आ रही है आपको बेटे नज़र आ रही सबको, ये छोटी पहाड़ी इस पे तीरंदाज खड़े हैं। इस पर जबले रमादा के हुज़ूर का लश्कर वो जो सामने लाइटें हैं वहाँ था, पीछे पहाड़ी थी। कुफार पे साइकोलॉजिकली एक असर पड़ा उन पे कि ये हम घेरे में आ गए। इनमें से कुछ नौजवान जिन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और हुज़ूर का वो हुक्म भूल गए जिसमें हुज़ूर ने फरमाया था कि कुछ भी हो आपने ये जगह नहीं छोड़नी। वो फिर उस वक्त ये जो खालिद वाले नहीं थे, मुसलमान नहीं हुए थे, ये जो नाला आ रहा है वो खजूरों का बाग है, वहाँ से कुफार चुके थे वहाँ। उसने फिर वो इनके जो था ना दस्ता इसका घुड़सवारों का, उसके सरबराह भी थे वो। अच्छा, पहले नौ सवार हजरत हमजा और मौलाना शेरगा ने कतल किए, उनके झंडा बरदा जो उनके कतल होने उनके भगदड़ मच गई भाग गए।